नमस्ते ब्रजेश छारीवुड, आपका स्वागत है। आज बैठे हैं हम अपनी कार बलिनो के अंदर, और बलिनो के अंदर बैठते समय आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो आज इस गाड़ी के अंदर जो सारे फीचर जो आते हैं ना इंटीरियर के अंदर, वो बताऊंगा सारे कंट्रोल करने वाले, किस किस कौन से चीज़ में कौन कौन से टाइम पे कंट्रोल होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो में तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आती चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नहीं आती डिसलाइक करके जरूर जाना। सबसे पहले बात कर रहे हैं इसकी चाबी से, ये इसकी डेल्टा की चाबी, क्योंकि बलिनो में चार वेरिएंट आते हैं। पहला आता है सिग्मा, दूसरा आता है डेल्टा, तीसरा आता है जेटा, चौथा आता है अल्फा। जेटा और अल्फा के अंदर आती है स्मार्ट कीलेस एंट्री, उसके अंदर कुछ नहीं है, DRL और कैमरा के पार्किंग हट जाते हैं, और ऑटोमेटिक हेडलाइट वगैरह हट जाता है बस, और ये चार तीन चीज़ हटती हैं, उसके ऊपर टॉप मॉडल बन गया। जेटा के अंदर ये स्मार्ट की आती है, मैनुअल की नहीं आती है। डेल्टा के अंदर ये वाली स्मार्ट की आती है, जो मारुति सारी गाड़ी में यूज करती है, आपने डिजाइन देख ही लिया होगा। और दूसरे फीचर की बात करते हैं ऐसे अंदर में से, तो स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल मिलेंगे आपको यहाँ पे, फ़ोन उठाने का, ये काटने का हो गया, ये उठाने का हो गया, ब्लूटूथ का हो गया, ये वॉल्यूम का हो गया, ये ट्रैक चेंज करने का हो गया, ये म्यूट का हो गया, मोड चेंज करने का हो गया। इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी के अंदर दो एयरबैग मिलेंगे, ABS EBD मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा, बस यही है। म्यूजिक सिस्टम आपको टच टाइप में मिलेगा, ना कि ये टच है ओनली, और ये LED वगैरह कुछ नहीं है, ये वाला म्यूजिक सिस्टम। AC आपको ऑटोमेटिक ही मिलेगी, बीच में हेजर लाइट ये आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक AC मिलेगी, रियर वाइफर एंड डिफॉगर ही मिलेगा आपको, रियर वाइफर एंड डिफॉगर आपको दिख रहा होगा पीछे, अगर आप देख सकते हो तो। फ्रंट रियर डिफॉगर है, फ्रंट डिफॉगर है इसके अंदर, ऑटोमेटिक का फीचर है, सारी चीज़ें इसके अंदर मिलेगी। ये म्यूजिक सिस्टम 2.0 AUX और USB पोर्ट सपोर्ट करता है, ये AUX और USB 12B का चार्जिंग पोर्ट ये इसका पूरा 2 कप होल्डर एरिया मिलेंगे इसके अंदर, ये चीज़ें। ग्लोबॉक्स की बात करें तो आपको ऐसा ग्लोबॉक्स मिलेगा, छोटा सा, ये काफ़ी बड़ा नहीं है। AC बेंट 4 मिलेंगे, रियर AC बेंट इसके अंदर नहीं आते। सनसेट की बात करें तो इसमें वेंटर मिरर भी मिलेगा आपको, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर वैनिटी मिरर भी मिलेगा। और इस तरफ बात कर रहे हैं गाड़ी चालू करने के बाद, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि MID के अंदर क्या क्या मिलेगा। इसके अंदर ये मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा चालू कर लूँ, फैन को, गर्मी ज़्यादा लग रही है, बंद ही कर दूँ इसकी सीट थोड़ी सी। देखो इस तरफ इसमें मिलेगा आपको, इस ई वाले टॉगल से मिलेगा आपको माइलेज, गाड़ी कितनी चलेगी ये दिखाएगा, ये सब चीज़ें, ये माइलेज का ऊपर है इसमें, टेम्परेचर नीचे, दूसरे नंबर पर गारंटी किट आएगा, तीसरे नंबर पर माइलेज आएगा, चौथे नंबर पर इस पर टाइम आएगा, जो टाइम ये दिखा रहा है 4:06, ठीक है। दूसरे टॉगल से बताएगा ये ट्रिप ए, ट्रिप बी और टोटल किलोमीटर, ये चीज़ें ये बताएगा, ठीक है, ये चीज़ें ये बताएगा, दोनों का ये हो गया। और टाइम सेट करने वाली चीज़ें मैं आपको अलग वीडियो बनाए, कमेंट में बता देना मुझे। इस तरफ के टॉगल से बात करेंगे, इस तरफ के टॉगल का 2 ये मोड है, इस पर आप करोगे तो पार्किंग में आ जाएगा और इसकी लाइट डिम हो जाएगी। देखो मैं इसे बंद करूँगा तो आप देख सकते रहिए, ये ज़्यादा हो गई, इसकी लाइट कम बढ़ाऊँगा तो डिम लाइट हो जाती है। तो इसमें भी इसका मैकेनिज्म, ये पार्किंग पे आ गया, आप देख सकते हैं पार्किंग पे, इसमें भी लाइट पार्किंग की जल चुकी है, अभी जल रही है जो, ठीक है। फॉग लाइट वगैरह इसमें के अंदर नहीं आते हैं, जो मैंने अलग से डला रखे हैं, मैं आपको डाल दूंगा इसी क्लिप में, फॉग लाइट की आती है। ये हेडलाइट चालू हो गई, इसमें बंद हो गई, राइट टर्न करेंगे डाउन में तो राइट का चलेगा, और अप करेंगे तो लेफ्ट, तो आपका इंडिकेटर चलेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चारों इंडिकेटर चलेंगे, ये 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक में भी आती है ये वाली CVT में। ये वाइपर का कंट्रोल, वाइपर कंट्रोल आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको बंद करना पड़ेगा, इस वजह से वाइपर चलाएंगे फालतू तो स्केच आ जाएंगे, आज बिल्कुल साफ पड़ा है, इसको बंद करते हैं, डोर खोल के दोबारा लगाता हूँ। ये वाला पॉइंट है, देखो इस वाले पॉइंट में ये वाला है पीछे का चलने के लिए, ये वाला इसको दबाएंगे आप, इस वाले पॉइंट को चलाएंगे ये पीछे चलेगा, और इस तरह दबाएंगे तो ये पानी के साथ वाइपर भी चलेगा, ये वाले पॉइंट को इस वाले ऐसे दबा कर रखेंगे तो पानी और वॉशर दोनों चलेंगे, पानी और अपना पानी का वॉशर भी चलेगा और अपना वाइपर भी चलेगा ऐसे में, ठीक है। ऐसे में चलाएंगे तो एक बार चलेगा फ्रंट वाइपर, ऊपर करके चलाएंगे पानी और वाइपर चलेगा, लो आराम से चलेगा, थोड़ा सा धीरे चलेगा, थोड़ा सा तेज चलेगा और फोर फास्ट चलेगा। तीन मोड इसके अंदर, चार इसके अंदर, पांच मोड आते हैं, जो पांच मोड अपने हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हैं।
तो यही इसके अंदर था इंटीरियर पर सारी चीजें फंक्शन। और ये मिरर ड्राइव रूम मिला मिलेगा आपको ऑटोमेटिक, इसके अंदर नहीं आती। दो रीडिंग लाइट मिलेगी आपको, ये आप देख सकते हैं दो रीडिंग लाइट इसके अंदर। यहाँ पे रीडिंग लाइट मिलेगी आपको, आप देख सकते हैं। और ये अपना सनसेट मिलेगा ड्राइव को, ड्राइवर तरफ भी मिलेगा आपको। और भी मिलेंगे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल, यहाँ से इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल होंगे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं दबा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल होंगे। चार पावर में मिलेंगे, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलेगा, ये आप चीज़ें देख सकते हैं। क्रोम डोर हैंडल मिलेंगे आपको, और सिल्वर ही ट्रीटमेंट में आपको एसी बैंड मिलेंगे चारों, आप देख सकते हैं। तो यही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, सारी बस यही फंक्शन आते हैं डेल्टा मॉडल में। और जेटा के अंदर क्या चेंज होता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, बस और कुछ नहीं है। इसका म्यूजिक सिस्टम चेंज हो जाता है बस, अंदर से बता रहा हूँ, अंदर से बाहर से दो तीन चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अंदर से म्यूजिक सिस्टम चेंज होता है, MID चेंज हो जाती है थोड़ी सी, यहाँ पे जो मल्टीफंक्शन डिस्प्ले वाली MID आई थी अल्फा वाली आ जाती है बस। और इस कार के अंदर कोई चेंज नहीं है अंदर से। फॉग लाइट वाला अपॉर्चुनिटी है जो मैंने कंपनी से लगा रखा है। यहाँ अपने पर्स वगैरह रख सकते हैं अपने, ये तीन पैडल दिए गए हैं ये आप देख सकते हैं, ये बोनट खोलने का लीवर, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सेफ ड्राइव, सब्सक्राइब दिस चैनल।